वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं SBI जूनियर एसोसिएट या क्लेरिकल की जो पोस्ट आई है उसका मेंस एग्जाम जल्दी होने वाला है। ऐसा बोला जा रहा है कि दिसंबर एंड या जनवरी में ये एग्जाम होगा आपका। अभी इसके प्रीलिम्स खत्म हुआ है, 12 को था, 19-20 को था और 25 नवम्बर को था। तो ये एक बेस्ट स्ट्रेटेजी मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि मैंने 112 कैसे स्कोर किया, इतना अच्छा स्कोर कैसे पॉसिबल हुआ मेरे लिए। सिंपल सी स्ट्रेटजी मैंने फॉलो की थी वही आपको बताने वाली हूँ। टू द पॉइंट स्टेप्स बताने वाली हूँ कि कितने स्टेप्स आपको फॉलो करके इतना अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आप इस वीडियो में कवर किए हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। आपको करनी है वो है टू डू लिस्ट, ठीक है। ये जो स्ट्रेटजी मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ ना, इससे मैंने बहुत दिनों से मैं इसे बना रही थी क्योंकि मुझे पता था प्रीलिम्स 25 को कंप्लीट होगा। तो इसे मैं 2-3 दिनों से लगातार बैठ के इसे बना रही थी कि बेस्ट टू बेस्ट आप तक प्रोवाइड कर सकूं, क्योंकि मैं जब SBI क्लर्क की तैयारी कर रही थी तो मैं बहुत सारी चीजें फॉलो कर रही थी, लेकिन कुछ कुछ चीजें ही होती हैं जो हमें रिजल्ट देके जाती हैं। जैसे एक टेक्निक होती है जिसमें बोला जाता है कि आप वो 20% चीजें ही होती हैं जो आपको 80% स्कोर दिलाती हैं। तो वही 20% मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ। वो 80% जो सिर्फ 20% स्कोर दिलाती हैं, वो सारी चीजें मैंने इसमें से हटा दी है। तो आपके लिए बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट स्ट्रेटजी होने वाली है, तो सुनिए अच्छे से। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, सुबह उठ के टू डू लिस्ट बनानी है। टू डू लिस्ट में आपको लिखना है कि आज आप क्या क्या करने वाले हैं। दो तरीके से आप टू डू लिस्ट बना सकते हैं। एक तो ये कि आप एक ही दिन में सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, उसी दिन में आप क्वांट्स पढ़ रहे हैं, रीजनिंग पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं और जनरल अवेयरनेस पढ़ रहे हैं। ये मेरा तरीका था, लेकिन कुछ कुछ लोग चारों चीजों को साथ में नहीं लेके चल पाते हैं या फिर उनका किसी एक सब्जेक्ट में जो फ्लो है वो मेंटेन नहीं हो पाता है। इसलिए उनको चाहिए कि हम एक दिन में दो सब्जेक्ट्स पढ़ें, तो आप वो वाली स्ट्रेटजी भी अपना सकते हैं। जो भी आपकी स्ट्रेटजी है क्लियर रखिए और उसे लिखिए एक कागज पे कि मैं आज ये चीजें करने वाला हूं, इतने इतने घंटे मुझे ये पढ़ना है। अगर आप घंटे नहीं काउंट करते हैं तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छी स्ट्रेटजी होती है। अगर आप आर्ली स्टडी करते हैं, इससे आपका क्या होता है कि नेक्स्ट डे के लिए आपका मनोबल बढ़ता है कि यार आज मैंने ना 8 घंटे पढ़ाई की है, तो नेक्स्ट डे के लिए वो मोटिवेशन जो फ्यूल होता है वो आपको मिल जाता है, आप डीमोटिवेट नहीं फील करते। ये चीज मैंने खुद पर्सनली महसूस की है। मैं हमेशा आर्ली स्टडीज करती थी टाइमर लगा के, और आजकल तो मैंने एक नया तरीका इजाद किया है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी आने वाले वीडियोस में। उस पर एक वीडियो मैंने सोचा है कि कैसे आप स्मार्ट स्टडी कर सकते हो, कम घंटों में कैसे ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकाल सकते हो। तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना अभी तक नहीं किया है तो टाइमर लगा के पढ़िए। इससे क्या होगा, आपको नेक्स्ट डे का जो मोटिवेशन है वो भी मिलेगा और आपको पता होगा कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, थक जाते हैं और हमें लगता है आज के लिए पढ़ लिया, हमने काफी पढ़ लिया। लेकिन अगर आप वहीं पे टाइमर लगा के पढ़ते तो आपको पता चलता है कि आप तो सिर्फ 2 घंटे ही पढ़े हो, तो आप वहां पे स्टॉप नहीं करते, अपनी पढ़ाई जारी रखते हो उस दिन के लिए। इसलिए टाइमर लगाना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट चीज, सबसे पहले एक मॉक टेस्ट लगाओ। मॉक टेस्ट लगाओगे तो उससे पता चल जाएगा आपको कि मुझे कितनी ज्यादा मेहनत किसमें करनी है, ठीक है। टू डू लिस्ट बनाने से पहले आपको मॉक टेस्ट लगाना चाहिए मेरे ख्याल से, फिर ही आप जज कर पाएंगे कि मुझे इस सब्जेक्ट में इतने घंटे देने पड़ेंगे, इस सब्जेक्ट में इतने घंटे। और सबसे ज्यादा मैं आपको कहूंगी इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है, तो ज्यादा से ज्यादा, मैं ये नहीं कह रही हूँ ज्यादा से ज्यादा टाइम दो उसमें, नहीं, लेकिन आपको इस तरीके से पढ़ाई करनी है कि जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश में से ज्यादा आप मार्क्स स्कोर कर पाओ। तो इंग्लिश का तो आपको मैं बताऊंगी स्ट्रेटजी इसी वीडियो में, जनरल अवेयरनेस की भी बताऊंगी, उसी को फॉलो करके आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं, अब मॉक टेस्ट दे कहां से सकते हो, तो एक प्रीवियस ईयर का मॉक टेस्ट है, टेक्स्ट बुक का फ्रीली अवेलेबल है, 1 अक्टूबर 2021 जब मैंने दिया था, Shift 1 और Shift 2 दोनों का अवेलेबल है, जो भी आप देना चाहो दे सकते हो, फ्रीली अवेलेबल है। उससे आपको अपना पता चल जाएगा कि मैं कहां स्टैंड कर रहा हूं, और फिर उसके बाद आप टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज भी परचेस कर सकते हो। बहुत ही अच्छे मॉक्स, आजकल बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि टेक्स्ट बुक का लेवल काफी अच्छा हो गया है, एग्जाम लेवल हो गया है एकदम,
पहले इसके मॉक टेस्ट थोड़े से इजी होते थे तो हमें ओवर कॉन्फिडेंट बनाते थे, लेकिन आजकल इनके मॉक टेस्ट एकदम एग्जाम लेवल हो गए। सारे प्रीलिम्स के, मेंस के मॉक टेस्ट मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज हर चीज आपको इसमें मिल जाएगी। आप मेरा टेस्ट आप मेरा कोड लगाएंगे तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अभी सेल भी लगी हुई है इनकी, तो आप परचेज कर सकते हो। पहले एक फ्री मॉक टेस्ट लगा के देख लेना, और इनका जो फ्री मॉक टेस्ट होता है प्रीवियस ईयर होता है, दोनों लगा के देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि आजकल इनका लेवल कितना अच्छा हो रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस मॉक टेस्ट को आपको एनालाइज करना है। एनालाइज करते वक्त आपको ये देखना है कि कहां मैं कितना मार्क्स स्कोर कर सकता हूं। ठीक है, ज्यादातर जो स्टेट्स की होती है वो कट ऑफ लगभग 90-100 के बीच में ही लाए करती है, तो आपको कोशिश करना है ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने की। जनरल अवेयरनेस में प्रीवियस ईयर अगर लगा रहे हो तो जनरल अवेयरनेस को एकदम इग्नोर मत कर देना। उसमें भी आपको देखना है किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उससे आपको थीम समझ में आएगी कि आपको किस टाइप के क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, इसके बाद इसको एनालिसिस करने के बाद आपको समझना है कि मेरे वीक पॉइंट्स क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, कौन सा सब्जेक्ट मेरा अच्छा है जिसपे मैं कम टाइम भी डिवोट करूं तो अच्छा ले आऊंगा, किस सब्जेक्ट पे मुझे ज्यादा टाइम डिवोट करने की जरूरत है। तो ये सारी चीजें आपकी क्लियर होकर निकल आएंगी। अब आ जाते हैं इंग्लिश की स्ट्रेटेजी। इंग्लिश की स्ट्रेटेजी स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिर्फ आपको न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है, एडिटोरियल्स टू बी प्रेसाइज। पूरा न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एडिटोरियल पढ़ के काम हो जाएगा। एडिटोरियल भी द हिंदू का पढ़ सकते हो या द इंडियन एक्सप्रेस का पढ़ सकते हो। द हिंदू अगर आपकी अच्छी खासी इंग्लिश है, अगर आपको द हिंदू समझ में आ रहा है तो कंटिन्यू रखो, नहीं समझ में आ रहा है तो इंडियन एक्सप्रेस से अच्छा कोई आपको मतलब उसका ऑल्टरनेट नहीं मिलेगा। वो पढ़ोगे वो समझ में भी आएगा और उसमें अच्छी लैंग्वेज भी है, तो एक करंट अफेयर्स के साथ भी आपका लिंक बना रहेगा और साथ ही साथ आपकी इंग्लिश भी अच्छी होती जाएगी। और ये एडिटोरियल रीडिंग आपको सिर्फ इंग्लिश में ही नहीं, आपको मैथ्स और रीजनिंग में भी हेल्प करेगी, क्योंकि इतने लंबे लंबे क्वेश्चंस को पढ़ के सॉल्व करना भी मुश्किल होता है, कॉम्प्रिहेंड करना मुश्किल होता है, वो कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स आपको यहां से मिल जाएंगी। ठीक है, एडिटोरियल्स रीड करो, उससे ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। देखो मैं 2-3 चीजें फॉलो करती थी, मुझे किससे फायदा मिला 80% वो मैं आपको बता रही हूँ, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं रीजनिंग पे। सिंपल स्ट्रेटेजी रखो, पजल्स आप अंकुश लांबा सर से पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं, मैंने उन्हीं को फॉलो किया। आज तक मैंने पजल्स के लिए इधर उधर मैं भटकी नहीं हूँ, बस दूसरी क्लासेस देखती थी क्वेश्चंस के लिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं दूसरी क्लासेस देखती थी, बाकी अप्रोच हमेशा मैंने अंकुश लांबा सर की देखी है, बहुत ही बेहतरीन अप्रोच सिखाते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो चेंज करो टीचर, ऐसा नहीं है कि आप उन पे चिपक के बैठ जाओ, नहीं, यहाँ पे आपको एग्जाम निकालना इम्पोर्टेंट है। ये नहीं कि फेवरेट टीचर है या उनने ये बोल दिया तो मैं उसको पकड़ के बैठ जाऊं, नहीं, जरूरी नहीं है। ठीक है, पजल्स आपको अंकुश लांबा सर के देखने हैं, और मिसलिनियस बैंकर्स पॉइंट पे जो सैनी सर पढ़ाते हैं वहां से आपको मिसलिनियस के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, आपका कोडिंग डीकोडिंग, आपका इनपुट आउटपुट डायरेक्शन टेस्ट, ठीक है, कोडेड डायरेक्शन आता है, कोडेड ब्लड रिलेशन आता है, ये सब आपका वहां से कवर हो जाएगा। रीजनिंग भी क्लियर है, ज्यादा टीचर्स को फॉलो करोगे ना तो दिमाग भटकेगा कि वो तो ये वाली सिखा रहे हैं अप्रोच, ये इस तरीके से बता रहे हैं, तो खुद को कंफ्यूज करना नहीं है, सिंपल स्ट्रेटेजी रखनी है। तो समझो कि कौन सा आपको अच्छा लग रहा है, जो सूट करे उससे पढ़ते रहो। ठीक है, क्वांट्स पे चलते हैं। अर्थमेटिक के लिए मैंने बहुत ही बेहतरीन प्लेलिस्ट आपको सजेस्ट कर रखी थी साहिल सर की, जल्दी से देख के इसे कंप्लीट करो। ठीक है, अर्थमेटिक के बेसिक्स क्लियर करो आप, जिससे कि फिर आपको अर्थमेटिक बेस डीआई आने लगे और जो अर्थमेटिक के क्वेश्चंस मेंस में आते हैं वो आने लगे। तो इससे बहुत लोगों को फायदा मिला है, बहुत सारे कमेंट्स आए हैं मेरे पास कि आपने जो प्लेलिस्ट बताई थी उसी की वजह से हमारा अर्थमेटिक स्ट्रांग हुआ है, अर्थमेटिक के बेसिक्स क्लियर हुए हैं, अदरवाइज हमें इतना अच्छा किसी ने नहीं समझाया। तो साहिल सर की प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हो, एनटीपीसी वाली प्लेलिस्ट है उनकी, उसमें उन्होंने सब कुछ पढ़ा रखा है। लेकिन जो बैंक के टॉपिक्स हैं सिर्फ वही आपको पढ़ने हैं, बाकी के नहीं पढ़ने, जैसे एलसीएम एचसीएफ है वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, अर्थ अलजेब्रा है वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो जो जो बैंक एग्जाम्स में आते हैं सिर्फ वो पढ़ो और आगे बढ़ो। फिर डीआई की अप्रोच, कैसे आपको डीआई अप्रोच करना है, कैसे सॉल्व करना है, कैलकुलेशन ट्रिक, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, ये सारी चीजें से आप अपनी कैलकुलेशन स्पीड अप कर सकते हो, वो आपको आशीष अरोड़ा सर से बेहतर नहीं बताएगा कोई। मेरे बेस्ट, मुझे बेस्ट जो लगते हैं वो मैंने आपको बता दिए, बाकी आपको जिससे भी पढ़ना अच्छा लगता है आप उनसे पढ़ो, जो आपको सूट करे अगेन वही करो। ठीक है, ये नहीं है कि मैंने बोल दिया तो आंखें बंद करके मान लिया, नहीं, पढ़ के देखो, समझ में आए तो कंटिन्यू रखो वरना चेंज। ठीक है, अब आ जाते हैं जनरल अवेयरनेस, जो कि बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग है,
जनरल अवेयरनेस में मैं बोलूंगी कि अभी लास्ट का एक महीना आपके पास हार्डली बचा हुआ है, एक महीने से ज्यादा का टाइम आपके पास नहीं है, तो इस एक महीने में आपको ये नहीं करना है कि रोज आप डेली का करंट अफेयर पढ़ो, नहीं, आपको अब पढ़ना है सिर्फ आपको ज्यादा ज्यादा क्विजेस लगाने हैं। पीडीएफ पढ़ने से भी इतना ज्यादा फायदा नहीं होता है, क्विजेस लगाते हो, आंसर गलत टिक करते हो तो आपको वो ज्यादा याद रहता है बजाय कि पीडीएफ पढ़ने पढ़ते रहने से। तो मेरे हिसाब से तो मैं आपको जो बता रही हूँ, जो मैं करती थी लास्ट टाइम पे, सिर्फ क्विजेस लगाती थी, तो प्रैक्टिस मॉक के फ्री क्विजेस अवेलेबल है, जाके चेक करो, फ्री में आपको मिल जाएगा, कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है। वो आपको हर मंथ के शायद 2 से 4 क्विजेस, मैंने बहुत टाइम से लगाए नहीं है, हर मंथ के आपको क्विजेस मिल जाएंगे, 50-50 क्वेश्चन एक क्विज में रहते हैं, बहुत ही अच्छा है। वीकली, हाँ, हर वीक के 2 क्विजेस होते हैं, मतलब पूरे मंथ के 8 क्विजेस, 8×50 लगा लो आप, 400 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे बेस्ट, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। और अगर इसको सप्लीमेंट करना चाहो तो अफेयर्स क्लाउड का जो वीकली वाला MCQs आता है वो भी आप चाहो तो टेलीग्राम पे इजीली अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल है, खरीदने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो वो आपको मिल जाएंगे। वो क्विजेस लगाते रहो, क्विजेस के अलावा और भी कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। अब बाकी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कितने महीने के क्विजेस आते हैं, तो आजकल बैंक एग्जाम्स में ट्रेंड देखा जा रहा है, पुराने क्वेश्चन तो आते ही है देखो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा अगर आप देखोगे ना तो लास्ट के 3-4 महीनों से ज्यादा क्वेश्चन निकल के आते हैं। तो आप क्या करो, लास्ट के 3 महीनों को तो बहुत अच्छे से रट के घोट के पी लो, ठीक है, एक तो आपका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने, और उसके पहले के 2-3 महीने और कर लो, और उसको ऊपर ऊपर से, मतलब आपने देख लिया इस तरीके से, जैसे कि आप क्विज लगा रहे हो, ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल आप सेप्टेम्बर का क्विज लगा रहे हो, तो आपने सेम क्विज को 2 बार सॉल्व कर लिया, ठीक है, सॉल्यूशन पढ़ो, बकायदा सॉल्यूशन इन डिटेल वाला जो दिया रहता है वो पढ़ो, ठीक है, उसके बाद जो आपका अक्टूबर हो गया या नवंबर हो गया या दिसंबर हो गया, इनके आप 4-4 बार लगाओ, मतलब जस्ट डबल मेहनत करनी है क्योंकि ये इसमें से ज्यादा क्वेश्चंस फंसते हैं, ठीक है, ये हो गया आपका जनरल अवेयरनेस। मैंने शॉर्ट एंड सिंपल आपको पूरी स्ट्रेटेजी समझा दी है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट सेक्शन में बताओ आपके भी कोई सजेशंस, अगर आपको लग रहा है कि मैम ये वाला सोर्स भी अच्छा है, आप इसके बारे में भी, इसको भी रिसर्च कीजिए, देखिए ये सोर्स कैसा है, और इसको भी अपने चैनल पे लोगों को बताइए, लोगों की हेल्प होगी तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताओ, और मेरी स्ट्रेटजी से फायदा होता है तो वो भी बताओ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आपके लिए डालती रहती हूँ, और भी वीडियोस आते रहेंगे, और बताते रहो और किस किस टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ो बिल्कुल मन लगा के, और कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में पूछना, टेक केयर, बाय बाय।